राम राम कोडिस, मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम कर रहे हैं वर्कफोर्सेस के एजुकेशनल राउंड की क्वेश्चंस के डिस्कशन। अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी पे आपको क्या करना है, आपको करना है, लैंग्वेज में नहीं बता सकता, बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी है। यहाँ पर आपको क्या है, आपको कुछ मॉन्स्टर्स होंगे, उन मॉन्स्टर का कुछ एक लाइफ होगा, लाइफ या हेल्थ इन्होंने बताया, जैसा वीडियो गेम में होता था ना उसी तरीके से। आपको उस मॉन्स्टर को किल करना है, तो उसके लिए आपके पास उसके जो भी लाइफ है उससे ज्यादा आपके पास पावर होना चाहिए, तब आप उसको किल कर सकते हो। और जो पावर है आपका वो किस तरीके से होगा, पावर जो है आपको मैजिकल पावर है, जैसे कि आप 1 सेकेंड पे उस पावर को इस्तेमाल किए तो उसका पावर हो गया 1, अगले सेकंड पे अगेन आप उसका पावर इस्तेमाल किए तो उसका पावर हो सकता है 2। आप अगेन चाहो तो इसको 1 भी रख सकते हो, पर आप 1 के ऊपर 1 एक ऐड कर सकते हो, पावर को 2 कर सकते हो। अगेन आप अगले सेकंड में आप फिर से उसको इस्तेमाल करोगे उस स्पेल को, तो इसका पावर 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर आप अगेन जिस तरीके आप जाना चाहो, जैसे कि अब 3 है, अगले बार मैं 3 से 4 नहीं करना चाहता, मैं 1 करना चाहता हूँ, ये अगेन हो सकता है। देन अगेन आप 2 कर सकते हो, देन अगेन आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, पर ऐसा आप अचानक से 4 पे नहीं जा सकते, आपको ग्रेजुअली ही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इस तरीके से चलना होगा। और कभी भी बाय चांस आपने 1 सेकेंड अपना ये स्पेल नहीं बोला, 1 सेकेंड आपने ये स्पेल नहीं बोला, तो फिर अगले सेकेंड, मतलब इस सेकेंड आपने कुछ नहीं बोला, अगले सेकेंड पे आपका पावर कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो, अगर आप नहीं शुरू करना चाहते हो तो ये ब्लैंक रह सकता है, आप यहाँ पर कुछ भी स्पेल नहीं बोलोगे। बट अगेन अगर आप स्टार्ट करोगे आफ्टर अ ब्रेक, देन योर पावर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। और अगर आप इस तरीके से चलते जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप कंपाउंड करते जाओगे, मतलब कंपाउंड तो नहीं, मतलब लिनियरली इंक्रीमेंट करते जाओगे, या फिर 1 कर जाओगे। और अगर आप आफ्टर अ ब्रेक स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप 1 से ही स्टार्ट करोगे, और पहली बार जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 1 से ही स्टार्ट करोगे। ये है आपके पास कहानी। अब इसी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बताया है, मैंने कोशिश किया है इसको याद करने का पर याद ही नहीं हो रहा था क्वेश्चन मुझे। अब आपके पास क्या है, आपको 2 एरे दिए गए हैं, उस एरे में टाइमिंग्स है ऑफ अराइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्स्टर इन दैट कार्टून, वीडियो गेम, वॉट एवर यू आर प्लेइंग। और दूसरा क्या है, उस मॉन्स्टर का पावर या हेल्थ, आप कह लो कि उसका हेल्थ कितना है, आपको उस टाइम पे उसके हेल्थ से ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर अपना रखना होगा, तब जाके आप उस मॉन्स्टर को किल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक ही मॉन्स्टर रहेगा, ये मतलब सबसे पहले एन रिप्रेजेंट करता है कि कितने मॉन्स्टर हैं आपके गेम में, तो यहाँ पर एक ही मॉन्स्टर है और उसका पावर है 4, और वो अपीयर करेगा आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब एट 6 सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 3 सेकेंड पे पावर बोलना चालू करो, स्पेल बोलना चालू करो, 3 सेकेंड पे 1 होगा, 4 सेकेंड पे 2 होगा, 5 सेकेंड पे 3 होगा, और 5th सेकेंड पे ये जाके क्या हो जाएगा, 4। तो इस टाइम पे आपको इसको किल करने के लिए पावर चाहिए था 4, आपके पास पावर है 4, आपके मैजिक स्पेल में पावर है 4, आप इसको किल कर जाओगे, ठीक है। तो ये आपको इतने बार आपको स्पेल बोलना पड़ेगा। और हाँ, एक ये दो एक कंडीशन में बता देता हूँ कि ये हमेशा ही, ये जो किल करने का पॉसिबिलिटी है ना, वो हमेशा ही होने वाला है। अब हमेशा ही कोई ना कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिससे आप सारे के सारे मॉन्स्टर को आप किल कर सकते हो, मतलब आप गेम जीत रहे हो, ये इंश्योर्ड है। दूसरा चीज क्या है, आपको ये जो किल करना है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3rd सेकेंड से बोलना चालू किया, 3rd सेकेंड पे 1, 4th सेकेंड पे 2nd स्पेल, 5th सेकेंड पे 3rd स्पेल, 6th सेकेंड पे अगेन 4th स्पेल, आप इसके जगह पे क्या कर सकते हो, आप इसके जगह पे आप 1 से भी चालू कर सकते हो, 1 पे 1st स्पेल, 2 पे 2nd स्पेल, एंड देन अगेन 3rd पे 3rd स्पेल, 4th पे 4th स्पेल, 5th पे 5th स्पेल, 6th पे 6th स्पेल। तो आपको किल करने के लिए चाहिए था 4, आपके पास पावर है 6, तो आप इसको अगेन किल कर सकते हो। पर जब भी आप स्पेल बोलते हो ना, आपका खुद का कुछ एक काइंड ऑफ पैसा लगता है, और वो पैसा कितना लगता है, जितना उस सेल पे आपका उस स्पेल का आपका जो पावर है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल आपका कितना पावर लग गया, कितना पैसा लग गया, इट विल बी इक्वल टू 6 × 6 + 1, विच इज अगेन 6 × 6 + 1 / 2, अगेन 21।
और इस केस में आपका कितना पैसा लगा? इस केस में आपका पैसा लगा 4 × 5/2 विच इज 10। ठीक है, तो अलग अलग कॉस्ट हो सकते हैं आपको उसको किल करने के। आपको मिनिमम कॉस्ट बताना है कितना आप किल कर सकते हो, कितना आपको सबको किल करने के लिए मिनिमम कॉस्ट लगेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये दूसरे एग्जाम्पल में आप देखो आपके पास दो मॉन्स्टर है, एक 4 सेकंड पे आ रहा है, एक 5th सेकंड पे आ रहा है, और आपको 5th वाले को किल करने के लिए 2 का पावर चाहिए और 4 वाले को किल करने के लिए 2 का पावर चाहिए। अब क्या करोगे आप? पहला मैजिक स्पेल बोलेंगे 3rd सेकंड पे, तो ये 4th पे जाके क्या हो जाएगा? 4th पे जाके हो जाएगा इसका पावर, अगेन आप कंटिन्यूएशन में बोल रहे हो तो इसका पावर हो जाएगा 2। अब 5 पे अगर आप फिर से 1 से चालू कर दोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको इसी को कंटिन्यू करना है। तो ये 2 पे आप +1 कर दो तो ये हो जाएगा 3, और आप किसी भी तरीके से 2 को कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब 2 था तो इसको भी 2 ही मेंटेन रखे ऐसा नहीं कर सकते आप। या तो 2 से आप 3 पे जा सकते हो, या तो फिर वापस आप आ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो रीस्टार्ट 1 से, या फिर आप उसको लीव कर सकते हो स्पेस पे कि आप कुछ करोगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा ताकि ये नेक्स्ट सेकेंड पे जो भी है सेल सॉरी मॉन्स्टर डायनासोर जो भी वो किल हो सके। तो इसमें आपका कितना रुपया लगा? इसमें आपको लगा अगेन 6, 2 + 1 + 3 = 6। एंड नाउ लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। लास्ट एग्जाम्पल से मैं कोशिश करूंगा कि सब चीज आपको दिखने लग जाए। ये क्या है? पहला मॉन्स्टर आ रहा है आफ्टर 5 सेकंड, दूसरा आ रहा है आफ्टर 7 सेकंड, और तीसरा आ रहा है आफ्टर 9 सेकंड। और पहले वाले को किल करने के लिए आपको चाहिए 2 पावर, अगले वाले को 1 पावर, अगले वाले को अगेन 2 पावर। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप 5 से पहले आप एक बार 4 पे बोलोगे मैजिक स्पेल, ये हो जाएगा 1, तो 5 पे आपका पावर हो जाएगा 2। ठीक है, अब अगेन आप 6 पे कुछ नहीं बोलो, लीव कर दो एज इट इज। 7 पे आप 1 पावर बोलो तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर पावर 1। इस मॉन्स्टर को चाहिए था 1 पावर किल करने के लिए, था आपके पास, आपने किल कर दिया। 8 पे अगेन आपने 1 से चालू कर दिया, इसको कंटिन्यू नहीं किया आपने, 1 से चालू कर दिया। और फिर 9 पे अगेन आपके पास क्या हो गया? आप 8 से 1 प्लस बढ़ा के 2 कर दो। तो टोटल आपने कितना कंज्यूम किया पावर, सॉरी कितना कॉस्ट लगा आपको? आपको लगा 3 + 4, टोटल 7, राइट। अब आपको कैसे इंट्यूशन आए, किस तरीके से आप इसको करोगे? वेल आज के कोड फोर्सेस के मैंने जो डिस्कस किया था शायद सेकंड क्वेश्चन था, वो भी काइंड ऑफ इसी तरीके का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ग्रीडीली सोचना पड़ेगा। आपको क्या ग्रीडीली सोचना पड़ेगा? अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अगर आप वो कोड फोर्सेस वाला सॉरी लीड कोड वाला क्वेश्चन देखे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। थोड़ा सा इसको अल्टर करते हैं, इसको करते हैं 5, इसको करते हैं अफोर्शेक 1, इसको करते हैं इसको कर देते हैं, इसको भी के हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 ही मॉन्स्टर हैं। लास्ट वाले को किल करने के लिए चाहिए 5 पावर, और 7th वाले को किल करने के लिए चाहिए 1 पावर। आप कहाँ से आपको यहाँ पर अगर आपको 5 पावर चाहिए तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? किस सेकंड से आपको स्पेल बोलना चालू करना पड़ेगा? आपको चालू करना पड़ेगा 5 से बोलना। 5 से बोलोगे आप पहली बार तो वहां पर पावर आएगा 1, 6 पे बोलोगे आप दूसरी बार वहां पर पावर आएगा 2, 7 पे बोलोगे आप तीसरी बार आएगा पावर 3, 8 पे बोलोगे आएगा पावर 4, और फाइनली जब 9 पे आप पहुंचोगे तब आ जाएगा आपका पावर 5। ठीक है, तो आपको 9 पे अगर पावर 5 चाहिए इसको किल करने के लिए, तो आपको मिनिमम कहाँ से बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा? आपको 5th सेकंड से बोलना चालू करना पड़ेगा, तब जाके ये कंपाउंडेड आएगा 5 यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया। अगर मैं 5 से बोलना चालू करता हूँ तो मेरा जब मैं 7 पे पहुंचूंगा, जब 7th सेकंड पे मैं पहुंचूंगा, तो उस टाइम पे मेरे पास कितना पावर का है मैजिक स्पेल? मेरे पास 3 पावर का है, और इसको किल करने के लिए मुझे कितने पावर चाहिए था? इसको किल करने के लिए मुझे चाहिए था 1 पावर, मेरे पास है 3 पावर, मैं इसको आराम से किल कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 पावर है मेरे पास, इसको किल करने के लिए 1 पावर चाहिए था, मैं इसको किल करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। अब अगर मान लो आपको ये जो 5 सॉरी ये यहाँ पर 7 ना होके यहाँ पर 4 होता, ठीक है 4 होता, 4 पे आपको किल करने के लिए समवट पावर चाहिए था P, तो आप कहाँ से बोलना चालू करते? 5 से, 6 से, 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10,
8 9, ठीक है। यहां से आप बोलना चालू कि 4 से तो आपको कुछ असर ही नहीं, 4 पे कुछ भी था आप वहां से छोड़ दो, उसको कंटिन्यू करने का आपको जरूरत नहीं है। आप 5 से अगेन आप रिस्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि बीच में एक तो कोई मॉन्स्टर नहीं है, आपको कोई झंझट नहीं है, और दूसरा अगर आप 4 वाले को आप कैरी करते जाओगे तो इवेंचुअली आपका कॉस्ट हाई आने वाला है। तो आप क्या करो कि 5 से आप फिर से रिस्टार्ट कर दो अपने काउंटिंग को, 4 तक जो भी पावर था उसको भूल जाओ और 5 से फिर से अगेन गिनती चालू कर दो। और तीसरा एक क्या केस हो सकता है, तीसरा क्या केस हो सकता है इसके बारे में आते हैं। तीसरा केस हो सकता है कि 7 पे आपको चाहिए था क्लिक करने के लिए 6 पावर, और आपके पास कितना है, अगर आप 9 पे आप 5 को रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप कहाँ से चालू कर रहे हो, 5 से, और उस तरीके से उस प्रोसेस से अगर आप चलते आओगे तो आपके पास 7 पे होगा 3 पावर, पर आपको 7 वाले को किल करने के लिए चाहिए 6 पावर। अब आपको 7 पे 6 चाहिए, तो इसका मतलब आप यहां से अगर आप जाओगे 7 से 7 पे आपका वैल्यू 6 है, आप 8 पे जाओगे तो क्या कहाँ जा सकते हो, 8 पे या तो आप 7 पे जा सकते हो या तो जा सकते हो आप 1 पे। अगर आप 1 पे चल जाओगे तो कभी भी आप नेक्स्ट स्टेप पे 5 तो पावर नहीं होगा आपके पास, तो आपको 7 पे जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप 7 प्लस 1 कर जाओगे, आप 8 पे जाना पड़ेगा, ठीक है, 8 पे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब आप 5 जो पावर है वो 5 टोटल आप नहीं पहुंच सकते कभी भी, आपको अगर वहां पर 5 करना है तो 5 से आपको ज्यादा ही आप पहुंच पाओगे, या तो फिर आप 5 से कम रह जाओगे या फिर आपको 5 से ज्यादा जाओगे, आप 5 एग्जैक्ट 5 आप वहां पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम एडजस्ट करेंगे जहां पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 6 का उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर मुझे 6 चाहिए तो इसके लिए मैं क्या इंश्योर करूंगा, मैं कहाँ से गिनती शुरू करूंगा, मैं 2 से गिनती शुरू करूंगा। 2 पे मैंने पहला स्पेल बोला, 3 पे मैंने दूसरा, 4 पे तीसरा, 5 पे चौथा, 6 पे पांचवा, पांचवा, और 7th पे आएगा मेरा छठा स्पेल, और ये इवेंचुअली 9 तक जाते जाते ये स्पेल का पावर हो जाएगा 8। और टोटल मुझे कितना कॉस्ट आया, टोटल मुझे कॉस्ट आया अगेन आप देख सकते हो 8 × 9/2, ये हो गया 36। और फिर अगेन 7 पे आपको 6 चाहिए, तो उस बीच में आप पहले भी देख सकते हो क्या आपको 5 पावर चाहिए था, 5 पे अगर आपको 5 पावर चाहिए था, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि अगर आप 2 से चालू करो पावर जनरेट करना तो आप कभी भी 5 पे 5 पावर तो जनरेट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपको 5 पे 5 पावर करने के लिए आपको 1 से चालू करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 पावर होगा, तो इवेंचुअली आपके पास 7 पे 6 नहीं 7 पावर होगा, और इवेंचुअली आपके पास 9 पे 5 से ज्यादा पावर हो जाएगा। तो ये सारा जो कहानी है वो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से अप्रोच जा रहे हैं, हम पीछे से क्यों चालू कर रहे हैं, ग्रेडिली क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि देखो वो लास्ट सेल है, वहां पर हम क्या करेंगे कि मिनिमम एज मेन एज पॉसिबल पावर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम जो भी खर्च हो मेरा, और उसके लिए हम देखेंगे कि क्या अगर उस पावर को मैं उतना सेट करता हूँ तो मेरे बीच में कुछ इंटरफेरेंस आ रहा है क्या, अगर इंटरफेरेंस नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है, मैं उसको उतना ही पावर दूंगा जितनी की उसको जरूरत है। अगर कुछ इंटरफेरेंस आ रहा है तो मैं देखूंगा पॉजिटिव इंटरफेरेंस है क्या, पॉजिटिव इंटरफेरेंस से क्या मतलब मेरा, पॉजिटिव इंटरफेरेंस से मेरा मतलब हुआ जैसे कि 7 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया उसी से चलते हैं। तो अगर मुझे 9 पे 2 चाहिए तो मुझे 8 से चालू करना पड़ेगा, और 8 से अगर मैं चालू करूंगा तो अगेन 7 तो मेरा आउट ऑफ रेंज हो गया, 7 तक कुछ भी पावर का जरूरत हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 8 से फिर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और दूसरा अगर मान लो कि 9 पे आपको चाहिए था पावर 3, तो आपको कहाँ से चालू करना पड़ता, आपको चालू करना पड़ता ये प्रोसेस को 7 से, 7 पे आपको प्रोसेस आपको 1 करते, 8 पे आप 2 करते, तब जाके आप 9 पे 3 पहुंच पाते हो। तो अगेन इसमें 7 के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, 7 पे इधर पावर चाहिए था 1, और अगर आपको 9 पे 3 करना है तो भी यहाँ पर 1 चाहिए था, तो ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस है, मतलब आपको 7 पे जो चाहिए अगर आप 9 वाले नीड को सेटिस्फाई करोगे तो 7 वाला नीड ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। और एक और नेगेटिव इंटरफेरेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ये कि आपको 7 पे चाहिए था पावर
पावर यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 3, और 7 पे चाहिए था गेन आपको 3 पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 7 पे, अगर आपको 9 पे 3 चाहिए तो आपको मिनिमम 7 से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर अगर आप 7 पे 1 कर दोगे तो 7 वाला तो किल होगा ही नहीं, तो 7 वाला तो 3 पे ही रहेगा, 8 वाला 4 पे जाएगा और 9 वाला अगेन 5 हो जाएगा। तो 7 वाले को आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 करने के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, तो अगेन आपको 5 से शुरू करना पड़ेगा। 5 पे आप 1 करोगे, 6 पे आप 2 करोगे, 7 पे आप 3 चल जाओगे, और मैक्सिमम जो आपको पावर चाहिए था, आपको यहाँ पर 3 चाहिए था एटमिन, वहां पर आप 3 नहीं, अब आप 5 पावर जाओगे। या तो अगर आप 8 से चालू कर दोगे तो आप वहां तक रीच ही नहीं कर पाओगे 3 पावर तक, और अगर आप 7 वाले से चलोगे प्रोसेस से तो आपका वहां पर पावर 5 हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका कोड लिखा है, और अगर आपने आज का सुबह का कोड फोर्सेस वाला, सॉरी हीट कोड वाला भी, मैं बार बार कोड फोर्सेस बोल रहा हूँ, कॉन्टेस्ट देखा है, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा इससे सिमिलैरिटी था। तो अब आ जाते हैं हम लोग कोड वॉक थ्रू पे। तो कोड लिखने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, मैं इस पर इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। मैंने अलग अलग वेरिएबल लिए हैं जो कि शायद आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप अपने हिसाब से कोड लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको एन इनपुट दिया होगा, उसके बाद फिर आपको दिया होगा एन मॉन्स्टर का सबसे पहले अपीयरेंस टाइम, उसके बाद दिया होगा उसका पावर, उसको किल करने के लिए कितना पावर चाहिए, मतलब उसका हेल्थ पे चाहिए, व्हाट एवर व्हाट एवर। और ये एक वेरिएबल मैंने बनाया है आंसर, जिसमें स्टोर करूंगा मुझे टोटल कितने पावर या फिर कॉस्ट लगा किल करने में सभी को, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक मॉन्स्टर है 7 पे मेरा, एक मॉन्स्टर है 9 पे मेरा, एक बार 9 पे किल करने के लिए मॉन्स्टर को मुझे 2 पावर चाहिए, एक बार मुझे 9 वाले मॉन्स्टर को किल करने के लिए 5 पावर चाहिए, और इधर अगेन 1, और एक बार मुझे 9 वाले को किल करने के लिए 5 पावर चाहिए, और इसको किल करने के लिए मुझे 4 पावर चाहिए, ठीक है। ये सारे अलग अलग केस हो सकते हैं, एक ऐसा केस है जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, दूसरा ऐसा केस है जिसमें पॉजिटिव इंटरसेक्शन है, और तीसरा ऐसा केस है जिसमें नेगेटिव इंटरसेक्शन है। अब कैसे कैसे ये रिजल्ट आएगा ये आप देखते चलो। मैक्सा क्या मैं स्टोर करता हूँ ना, मैं मैक्सा स्टोर करता हूँ कि मैं लास्ट वाले का अपीयरेंस जो हो रहा है, लास्ट जो सबसे लास्ट में आ रहा है, एक मिनट क्या दिक्कत है भाई, हाँ सॉरी अगर कुछ स्क्रीन पे आ गया हो। तो लास्ट वाले को आपको किल करने के लिए कितना पावर चाहिए, इट विल स्टोर इट इन मैक्सा, इसको किल करने के लिए कितना पावर चाहिए 2, और इसका अपीयरेंस टाइम क्या है ये मैं स्टोर करूंगा मैक्स आईडी में, ठीक है। ये इसका अपीयरेंस टाइम क्या है 9, और अगेन मैं लास्ट एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें अगेन मैं स्टोर करूंगा कि लास्ट वाले का अपीयरेंस टाइम क्या है, और एक नाउ करके मैं अगेन वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि उसको किल करने के लिए, जो लास्ट वाला इंडेक्स वाला जो भी है उसको किल करने के लिए मुझे कितना पावर चाहिए, ठीक है। अब अगेन लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, मैंने जिस तरीके से लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे 2 पावर चाहिए, ठीक है। अब मैं देखूंगा आई माइनस 2 से मैं अपना इटरेशन चालू करूंगा, आई माइनस 2 से मैं अपना इटरेशन चालू करूंगा। अब आप देखो कि लास्ट माइनस नाउ, लास्ट माइनस नाउ क्या होगा, 9 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी आई डॉट फर्स्ट, मतलब आई अभी मेरा यहां पर है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी आई डॉट फर्स्ट, राइट। तो मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये जो भी था, ये कुछ भी था, मुझे इस इंडेक्स से कोई मतलब ही नहीं, मैं इसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स से या फिर कहीं पर इसके बाद वाले इंडेक्स से चालू करूंगा तो भी मैं यहां पर अपना जो भी टारगेट है मुझे पावर का वो मैं रीच कर जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अपना जो आंसर था उसमें ऐड कर दूंगा मैक्सा इनटू मैक्सा प्लस 1, मतलब यहाँ पर से 8 से मैंने चालू किया है, 8 पे 1 अगले पे 2, तो मुझे टोटल पावर कितना लगा, 8 1 सॉरी 2 इनटू 2 प्लस 1 बाई 2, मतलब 3 बाई 2 विच इज 3 पावर। और अगेन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैक्सा को अपडेट करूंगा और लास्ट को अपडेट करूंगा, नाउ को अपडेट करूंगा, मैक्सा आईडी को अपडेट करूंगा। अब मुझे नेक्स्ट टारगेट क्या है, मुझे नेक्स्ट टारगेट ये है कि मुझे 7 पे मुझे 1 पावर चाहिए,
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब मैं सारे चेंजेस करूंगा। तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये वाला हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है ये वाला, एक मिनट, ठीक है, ये केस हो सकता है लास्ट माइनस नाउ। यहां पर आप देखो लास्ट क्या हो जाएगा, इस वाले केस में लास्ट हो जाएगा आपका, लास्ट हो जाएगा आपका 9, नाउ हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब आप देखो लास्ट माइनस नाउ अगर आप अगेन करो तो क्या हो जाएगा, लास्ट माइनस 9 इज 4, इट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ तो इंटरसेक्शन है, मतलब यहां पर अगर मुझे 5 करना है तो इसका मतलब मैं जहां से भी जिस भी इंडेक्स से स्टार्ट करूं 7 उस इंडेक्स के बीच में आएगा, ठीक है। अब ये कहानी फंस गया मेरा। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या 7 पे जो मुझे पावर का रिक्वायरमेंट है वो अगर मैं 9 के 5 वाले पावर रिक्वायरमेंट को मीट करूं तो क्या मैं 7 वाले का भी पावर रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहा हूं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं 7 वाले के हिसाब से अपना मैक्सा को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं चेक करूंगा कि 9 माइनस वी आई डॉट फर्स्ट, 9 माइनस सॉरी लास्ट, लास्ट इज 9 माइनस वी आई डॉट फर्स्ट इट इज 7, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू इसका पावर, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, 3 इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा 9 पे पावर 5 हो तो उसके लिए मुझे 7 पे कितना पावर चाहिए, 3 पावर चाहिए। और 7 पे जो मॉन्स्टर है ऑलरेडी उसको किल करने के लिए मुझे कितना पावर चाहिए, उसको किल करने के लिए मुझे 1 पावर चाहिए। इसका मतलब कि इसका होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं अपना प्रोसेस तो जो पीछे से कंटिन्यू रखूंगा, 5 वाले इंडेक्स पे मैं जो स्टार्ट करने वाला था 1 2 3 जो पावर स्पेल बढ़ाना वो मैं कंटिन्यू रखूंगा, 7 के होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया जहां पर पॉजिटिव इंटरफेरेंस है तो पर होने से कोई फर्क नहीं। तीसरा इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, तीसरा इंटरसेक्शन आ सकता है ये वाला। यहां पर क्या है, यहां पर देखो आप लास्ट पे क्या है 9 माइनस 5 इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। ये पहला वाला केस मिस हुआ। दूसरा वाला केस क्या था, 9 मतलब 5 माइनस 9 माइनस 7 इट इज नॉट अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि 7 पे आपको 4 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब आप 9 पे अगर आप 5 करना चाहते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, आपको 9 पे या तो 5 से ज्यादा ही करना पड़ेगा अगर आप 9 वाले को किल करना चाहते हो, एल्स तो आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर अब 4 डिसाइड करेगा कि मेरा 9 पे क्या होगा, ठीक है। तो अगर मुझे 7 पे 4 करना है, 7 पे अगर मैं 4 करता हूँ तो 8 पे क्या होगा मेरा 5, 9 पे फिर मेरा क्या होगा 6। तो अगेन मैं मैक्सा को अब यहाँ पर अपडेट करूंगा, यहाँ पर वी आई डॉट सेकेंड, यहाँ पर वी आई डॉट सेकेंड क्या हो गया, इसका पावर 4 प्लस मैक्सा आई डी। मैक्सा आई डी पे अभी मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, मैक्सा आई डी पे मैंने अभी स्टोर किया हुआ है उसका अपीयरेंस टाइम, अपीयरेंस टाइम 9 माइनस वी आई डॉट फर्स्ट ये हो गया 7। मतलब मुझे अगर मुझे 7 पे मैं 4 कर देता हूं तो मुझे 9 पे 5 नहीं 6 मिलेगा, तो मैक्सा यहाँ पर हो जाएगा 6। लास्ट जो था वो अगेन मुझे अपडेट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा वी ए डॉट फर्स्ट, मतलब लास्ट इंडेक्स जहां पर मुझे पहुंचने का कोशिश करना है, मतलब मुझे 7 पे कुछ भी करके 4 करना है, उसके लिए अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा सारे। तो लास्ट को मैं अपडेट करूंगा, नाउ को मैं अपडेट करूंगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये मेरा कोड है, मेरे वेरिएबल है तो मुझे कंफर्टेबल हो रहा है, आपको हो सकता है दिक्कत हो तो आप खुद से लिखने की कोशिश करो। और एंड में जहां पर भी आपका बच रहा होगा कहानी वहां पर से आप चालू कर देना, जैसे कि यहाँ पर तो आई माइनस टू, आई इक्वल टू एन माइनस टू है, मतलब यहाँ पर दो ही अपने पास एलिमेंट्स थे। अब आप यहाँ पर जीरो इंडेक्स से चालू किए हो, नेक्स्ट टाइम पे आप चल जाओगे माइनस वन पे, मतलब आपका कहानी तो यहीं पर खत्म हो गया, तो आप यहाँ से लूप ब्रेकआउट कर जाओगे। एंड में आपको ये एड ऑन करना पड़ेगा, मैक्सा अभी क्या है आपका, मैक्सा है आपका 6 इंटू 6 प्लस 1/2 7/2, तो ये हो जाएगा आपका टोटल पावर आपको लग जाएगा इसमें 21, और आप यहाँ पर से आउटपुट करा के रिटर्न कर सकते हो। तो
मुझे उम्मीद है कि मैंने इस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया होगा समझाने में। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा एक बार ड्राई रन करके करने की कोशिश करो। मैंने जो बातों को बताया है उसको ध्यान में रख के उस कोड को खुद से लिखने की कोशिश करो। ऑब्वियसली बनेगा, अगर नहीं बनता है तो आप हमारे सोशल मीडिया पे आ सकते हो, सॉरी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में। थैंक यू।